हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो हमें चेक करके बताना है कि 7 + 3x गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसका आपको एक ट्रिक याद रखनी है इसमें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था 7 + 3x, इसमें अगर x की वैल्यू निकाल कर सबसे पहले जो गिवन पॉलीनोमियल होता है, अगर वो फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल का, तो सबसे पहले उसमें x की वैल्यू फाइंड करके गिवन पॉलीनोमियल में पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू जीरो आ जाए, x की वैल्यू पुट करके अगर इसमें जीरो आ जाए तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था इसकी, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ, तो 7 + 3x को यहाँ 0 के इक्वल कर देंगे, 7 + 3x = 0। तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x प्लस का 7 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, देन x इक्वल टू जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें चली जाएगी आपके पास डिवाइड। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, -7/3। अब जो वैल्यू ऑफ x -7/3 गिवन पॉलीनोमियल को पुट करके आप देखेंगे 3x³ + 7x। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -7। x की जगह हमें क्या पुट करना है, -7/3। अगर पुट करने पर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पुट करते हैं 3 - 7/3³ + 7 - 7/3। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 3 - 7 × -7 × -7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर क्यूब है। इसकी पावर 3 है तो -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस, रिजल्ट को माइनस आ 7 × 7 = 49। अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 49 × 7, 9 × 7 = 63, 6 × 7 = 28 + 6 = 34। हमारे पास आ गए 3 - 3/4 डिवाइडेड, ऐसे 3 पावर 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो उसका है 27। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 7 × 7 = 49 अपॉन में, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3 × 3 ये कैंसिल हो जाए, 3 × 9 = 27, -3/4 अपॉन में 9, -49 अपॉन में 3। एलसीएम से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, 9 एलसीएम आएगा, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, चेक करके देखो, 3 और 9 का एलसीएम 3 से डिविजिबल है, 3 1, ये 3 टाइम्स और 3 को करेंगे 1, 3 × 3 = 9, 9 क्या है हमारे पास एलसीएम। 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1, -343 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 343 आएगा, माइनस 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 × 3, 9 × 3 = 27, 2 × 3 = 12, 12 + 2 = 14, 147। अब ये प्लस करेंगे, देखिए सेम साइन में प्लस होता है, 343 और 147 को प्लस करते हैं, साइन को माइनस किया है हमारे पास 343, 10, 9 और ये 4, 490 अपॉन में 9। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7। इसलिए इसका फैक्टर नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर गिवन हमारे पास इक्वेशन किसी पॉलीनोमियल का फैक्टर है तो
तो उसकी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था जब भी उसको जीरो जो, तो फैक्टर जब भी होगा जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे गिवन पॉलीनोमियल में अगर पुट करते हैं तो जीरो की इक्वल आएगा वो तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फैक्टराइज 2x³ - 3x² - 17x + 30। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के तो फैक्टर करना हमने सीखे थे, लेकिन ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं। इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास 30 है, कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 30, इसके फैक्टर है एंड इट्स फैक्टर 30 का फैक्टर क्या क्या है +-1 + -2। 30 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं +-1 + -2 + -, हमारे पास 3 का और 4 का नहीं होता +-5। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं +-5 + -6 + -6। 7 का नहीं जाता 8 का नहीं जाएगा 9 का नहीं जाएगा 10 का जाएगा +-10। 11 का नहीं जाएगा 12 का नहीं जाएगा 13 14 15 का जाएगा +-15 और लास्ट में +-30। तो सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म देखेंगे उसके फैक्टर हम नोट कर लेंगे कौन कौन, तो हमने फैक्टर नोट कर ली। अब वन बाय वन पुट करेंगे, सबसे पहले वन पुट करके आप चेक करो कि जीरो आ रहे हैं, जिस केस में जीरो आएगा इट मीन्स वो उसके एक फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले तो जीरो फाइंड करना है वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आप सपोज आपने पुट वन किया x=1 गिवन पॉलीनोमियल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। एक्स की जगह आप 1 रिप्लेस कर दो 3 1² - 71 1 + 30। राजा आपको एक्स नजर आ रहा है गिवन पॉलीनोमियल में, वहाँ 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके देखो 0 आ रहा है नहीं है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 × 1 ही होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, ये माइनस कर दे ये माइनस का 70 + 30। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस 30 + 2 32 हो जाएगा, प्लस वाले एंड कर ले माइनस आपको पता है सेम साइन वाले प्लस होते हैं और अपोजिट साइन वाले माइनस होते, 17 और 3 - 20। 32 में से 20 माइनस करेंगे 12, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो x=1 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 हमारे पास आया है। अब x = -1 पुट करके चेक करो तो 3 या 4 स्टेप में हमारे पास आ जाता है नॉर्मली, ठीक है 2 - 1³ - 3 - 1² - 17 - 1 + 3। सिंप्लीफाई कर लें, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर क्या है 3 है, -1 × -1 × -1 देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -(-)+(+)-, तो माइनस का 1 ही आएगा रिजल्ट, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। तो क्या ये जो इसकी सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करें, प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, -1 का स्क्वायर -1 × -1 + 1, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -(-)+(-)+ क्या होता है प्लस होता है 17 + 30। अब देखिए 30 + 17 = 47 + और ये माइनस का 5, 47 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 40, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो x = -1 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब x = 2 पर चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या है प्लस 2, तो जनरली 3 या 4 स्टेप में हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस। x = 2 पर चेक करते हैं, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2³ - 3² - 17 + 5, तो यह आएगा 2, 2 क्यूब मीन्स 2 × 2 × 2 8,
माइनस थ्री, टू इंटू टू फोर, मल्टीप्लाई फोर, सेवनटीन इंटू टू थर्टी फोर प्लस थर्टी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एट टू जै सिक्सटीन, माइनस थ्री फोर जै ट्वेल्व, माइनस थर्टी फोर प्लस थर्टी। अब देखिए प्लस का, थर्टी और सिक्सटीन फोर्टी सिक्स है प्लस का, और थर्टी फोर और ट्वेल्व माइनस माइनस का माइनस का ही फोर्टी सिक्स, प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो होगी। तो x इक्वल टू टू पुट करने पर गिवन पॉलीनोमियल इसके इक्वल आएगी जीरो के ऊपर, इट मीन्स x इक्वल टू टू इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब x इक्वल टू टू से हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन टू को इधर ट्रांसफर करेंगे। x इक्वल टू पर जीरो हुआ था, प्लस का टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगी, माइनस टू। इसका मतलब है x माइनस टू से हम इसको क्या करेंगे, गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं x माइनस टू, गिवन पॉलीनोमियल हमारे पास है टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स प्लस थर्टी। अब देखिए डिवाइड का रूल क्या होता है, हमारे पास यहाँ रफ करेंगे, रफ पर डिक्रीज इन पावर के अकॉर्डिंग ये पहले से अरेंज है, थ्री टू वन जीरो, ये वन और ये जीरो। सबसे पहले डिक्रीज इन पावर में होना चाहिए दोनों पॉलीनोमियल हमारे पास, तो ये पहले से अरेंज है, अगर नहीं है तो पहले अरेंज कर ले, सबसे पहले स्टेप ये रहेगा बोलिए। अब देखिए डिवाइड करने का रूल क्या है, इसके स्टार्टिंग से मतलब और इसके स्टार्टिंग से, टू एक्स क्यूब में आप x का रफ में डिवाइड करके देखें, टू एक्स क्यूब में आप x का डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में एक्स, एक्स कैंसिल, तो यह आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, यह आएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर को आंसर में ऐड करेंगे। अब इसी टू एक्स स्क्वायर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे राइट कर देंगे, एक्स माइनस टू से ही टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर को देखो इसकी पावर वन है और इसकी टू है, पावर रूल लगेगा, बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, तो टू तो आएगा ही और ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू टू जब फोर एक्स स्क्वायर, याद रखें पावर के नीचे पावर है, टू एक्स क्यूब, क्यूब के नीचे तो क्यूब और स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे। क्या करना था आपको, सबसे पहले हमने डिवाइड करके चेक किया, जो आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट कर देते, ये स्टेप। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपोजिट साइन कर देते हैं, प्लस का क्या कर देंगे माइनस, माइनस का क्या कर देंगे प्लस, कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का और ये माइनस का, फोर एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, बड़ी वाली डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज राइट कर देंगे माइनस सेवनटीन एक्स प्लस थर्टी। ठीक है, अब इसके बाद वही जो हमने ऊपर किया था स्टेप, इसके एक्स स्क्वायर से मतलब और इसके स्टार्टिंग वाली टर्म्स, स्टार्टिंग वाले से मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स का रफ में डिवाइड करके चेक करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया, वन एक्स से वन एक्स कैंसिल, आपके पास क्या है एक्स, वो भी किसका प्लस का, तो प्लस का एक्स को यहाँ राइट करेंगे प्लस। अब इसी एक्स से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करेंगे, तो रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर वन इसकी पावर वन, एक्स पावर टू हो जाएगी हमारे पास माइनस टू एक्स, टर्म्स के नीचे टर्म्स राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अपोजिट साइन कर देंगे प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का सेवनटीन एक्स, बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव है और छोटी पॉजिटिव, तो साइन आएगा नेगेटिव का, सेवनटीन में से टू माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं फिफ्टीन एक्स माइनस का और प्लस थर्टी। अब वही इसके स्टार्टिंग से मतलब इसके स्टार्टिंग माइनस फिफ्टीन एक्स में, माइनस फिफ्टीन एक्स में इसका डिवाइड करके देखेंगे हम एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आया हमारे पास माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन को राइट कर देंगे आंसर, माइनस फिफ्टीन से इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे, माइनस फिफ्टीन को एक्स से किया तो माइनस फिफ्टीन एक्स, वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिफ्टीन टू जो थर्टी, अब अपोजिट साइन करेंगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास जीरो बचेगा। जब हमारे पास जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था रिमाइंडर अगर जीरो है तो इसका मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं गिवन पॉलीनोमियल वो उसमें क्या होगा फैक्टर होगा, इसका मतलब एक्स माइनस टू
जीवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। जैसे हमने ऊपर ही चेक कर लिया था फैक्टर है, ये कुछ जीरो दे रहा था, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, अब एक फैक्टर तो हमारे पास ये है, अब बाकी दो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई हमारे पास, इसके फैक्टराइज करके निकालेंगे। 2x² + x - 2 = 0। अब देखिए रफ में प्रोसेस क्या होता है, इसको भी डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग सबसे पहले अरेंज करते हैं, जब भी फैक्टर फाइंड करेंगे ये पहले से अरेंज है, पावर 2 फिर 1 और फिर पावर 0, वेरी वेरी डिक्रीजिंग पावर, एक्सपोनेंट है उसकी डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -15 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x² आएगा, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, ये मेथड है हमारे पास। तो जो मिडिल टर्म है हमारे पास प्लस एक्स, इसके टू पार्ट ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 30 है और माइनस है, और प्लस माइनस करने पर 6 है और प्लस का एक्स है, तो दो पार्ट होंगे 6 और 5 6 5 30, लेकिन इसके साथ एक्स लग रहा है तो एक्स भी लगा देंगे, लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी वाली पॉजिटिव होगी और छोटी वाली क्या होगी, नेगेटिव। देखो चेक करके देखो, 6x में से 5x दिया तो प्लस का x, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 5 - 30x² तो इसको राइट कर देंगे 2x² + 6x - 5x - 15 = 0। अब 2 2 के पेयर बनाते हैं, इसके बाद फर्स्ट पेयर में इस कॉमन क्या है, 2x कॉमन। अब जो चीज़ आप कॉमन लेते हो उसी को डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ राइट करते हैं, 2x² में 2x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, x प्लस 6x में 2x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 और x से x कैंसिल, x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए कॉमन क्या है, -5। अब माइनस के 5x में माइनस का 5 डिवाइड करेंगे, माइनस के 5x में माइनस 5 का डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 x बचा। -15 में -5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 15 प्लस का 3 = 0। याद रखना पहले भी डिस्कस किया था हमने, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी को अंदर डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स राइट करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा वहाँ। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 2x - 5 = 0। अब सेपरेट सेपरेट जीरो के इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों जीरो के इक्वल है, यही 2x - 5 = 0। तो यह आएगा x = -3, प्लस का 3 ट्रांसफर करेंगे -3, और यह आएगा 2x - 5 का दिया तो +5, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगी, डिवाइड, यह आ जाएगा x = 5। तो इसकी जो डिग्री है वो 3 थी, इसलिए इसके 3 फैक्टर आए। फर्स्ट फैक्टर तो हमने पहले फाइंड कर लिया x = 2, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये, तो इसको राइट कर सकते हैं, फैक्टर्स आर x = 2, x = -3 एंड x = 5/1, दैट इज ये फैक्टर आए।